एंड चिकोर किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए यहाँ पे बनाने जा रही हूँ एनर्जी लड्डू। ये बेसिकली लेडीज़ के लिए होते हैं जिनको कमर में बहुत दर्द रहता है और आफ्टर डिलीवरी लेडीज़ को ये बनाकर दिए जाते हैं हमारे यहाँ पे। मैं इसके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लूँगी, कोई भी इसको खा सकता है, पर आप ध्यान कीजिए कि गर्मी में ज़्यादा ना खाया जाए। इसके लिए मैंने यहाँ पर गोंद ले ली है, साथ में मैं यहाँ पर ले लिए हैं थोड़े से अखरोट, थोड़े से मैंने आलमंड्स ले लिए हैं, बादाम। मैं अलसी डाल रही हूँ फ्रेंड्स, ओमेगा 3 से भरपूर होती है अलसी। यहाँ मैं थोड़ी सी आधी कटोरी के करीब सूजी ले रही हूँ, हल्का सा वो टेक्सचर देगी सूजी लड्डू में। ये मैं मखाने ले रही हूँ थोड़े से, साथ में मैं यहाँ ले रही हूँ थोड़े से काजू। काजू मैं ब्रोकन नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे इनको ग्राइंड ही करना है। या मैंने बूरा ले लिया है, बूरा या देसी खांड ले सकते हैं आप इससे। साथ में मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है, आप चाहें तो इसे आटे में भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये कमरकस ले रही हूँ मैं इसमें थोड़ी सी, कमरकस ये लेडीज़ के लिए है, मैंने आपको बताया आफ्टर डिलीवरी लेडीज़ को देने के लिए। आप सर्दियों में बनाइए, आपके बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो वो खाएंगे तो उनको ठंड नहीं लगेगी। गर्मियों में मैंने ये लेडीज़ के हिसाब से बनाई है जिनको कमर बहुत दर्द रहता है। कमर कस आप इसमें अवॉइड भी कर सकते हैं गर्मी के दिनों में। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में एक करछी के करीब मैंने देसी घी ले लिया है। मैं धीरे धीरे सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं रोस्ट करूँगी, जितने भी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने वाले हैं। मैं सबसे पहले बादाम लूँगी, बादाम को मैं रोस्ट कर लूँगी थोड़ा सा। जैसे ही मेरे बादाम रोस्ट हो जाते हैं मैं इनको निकाल लूँगी, एक एक करके मैं सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी रोस्ट करने वाले हैं उनको रोस्ट कर लूँगी, बाकियों को मैं ऐसे ही डालूँगी। मेरे बादाम रोस्ट कर लिए हैं मैंने यहाँ पे देसी घी में, रोस्ट किया तो फ्राई हो गए, रोस्ट भी कर सकते हैं आप इसको, सॉरी। अब जैसे ये फ्राई हो जाएंगे मैं अपने जो मैंने काजू रखे थे ब्रोकन काजू मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मैंने इनको ग्राइंड ही करना है लड्डुओं के लिए तो मैं ब्रोकन ले रही हूँ। इनको भी मैं हल्का सा तल के निकाल लूँगी। फ्रेंड्स ये लड्डू आप बनाकर लेडीज़ को दीजिए जिनके कमर में बहुत दर्द होता है, लड़कियों के भी होता है, आजकल गर्ल्स को वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। मैं यहाँ पे ये मैंने जो गोंद लिया था, अब गोंद को मैं इसको फुला लूँगी। देखिए जैसे ही हम इसको उसमें घी में डालते हैं ये देखिए फूल जाती है, फूल के इसके लड्डुओं में इसका क्रंची क्रंची टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी हेल्थ बेनिफिट्स तो इसके हैं, कैल्शियम से भरपूर होती है ये, और ये बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं, एनर्जी लड्डू, इसीलिए मैंने इनका नाम दिया है। ये बच्चे बड़े सब खा सकते हैं, अगर जेंट्स खा रहे हैं तो आप कमरकस अवॉइड कर सकते हैं। बाकी लेडीज़ को कोई ना कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहती ही हैं, आप उनको दीजिए, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। अब मैं इसी में ये मैंने कमरकस है, मैं बार बार फ्रेंड्स बता रही हूँ कमरकस बहुत गर्म होता है, आप जेंट्स अगर खा रहे हैं या बॉयज़ ने खाना है आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ठंड के दिनों में दे सकते हैं, ठंड के दिनों में तो हेल्दी है ये, पर अगर इस मौसम में या इस मौसम में तो खैर खाना नहीं चाहिए, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं इस पार्ट को, क्योंकि मैं बना रही थी तो मैंने इसमें दिखा दिया आपको। इस कमरकस को मैं गोंद की तरह इसमें फ्राई करके निकाल लूँगी, बस हल्का सा इसको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अलसी के मैंने बताया था आपको अलसी के बीज ले रही हूँ, आजकल तो बहुत सारे सीड्स अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी सीड्स ले सकते हैं उसकी जगह। साथ में मैंने यहाँ पे मखाने आपको दिखाए थे, मखाने मैंने ले लिए हैं कटोरी, उनको भी मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। ज़्यादा इनको घी नहीं डाल रही हूँ, उसी घी में बचे हुए घी में मैंने इनको रोस्ट कर दिए। यहाँ पे मैंने जो आपको बेसन दिखाया था आधा किलो के करीब, वो बेसन और सूजी को मिक्स करके मैंने यहाँ भून लिया है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है मैंने वो पार्ट कट कर दिया है। जैसे ही मेरा बेसन भून जाता है सारे मैंने ड्राई फ्रूट जो थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, दरदरा कर लिया, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना उसको। देखिए जैसे ही मेरा बेसन ब्राउन हो गया था, बिस्किट कलर का हो गया था, मैंने वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल दिए हैं। देखिए उसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी,
बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बन जाती है, पर इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कमर में, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, कमर में जिनको दर्द रहता है वो इस लड्डू को खा के देखिए, आपके कमर का दर्द चला जाएगा। कमर में दर्द बहुत बार लेडीज़ को वीकनेस से होता है। देखिए अब ये, क्योंकि बेसन मेरा भुना ही हुआ था, बस मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स कर दी हैं। साथ में मैं अब गोंद और थोड़ा सा इलायची, हरी इलायची जो है उनको मैं पीस लूँगी साथ में। अलग से पीस लिया है क्योंकि गोंद जो है वो थोड़ा सा घी ऑब्जर्व कर लेती हैं। देखिए उसको भी मैंने पीस के इसमें मैंने ऐड कर दूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और जो गोंद है उसका क्रंचीनेस, तो मैं अब लड्डू में, आपने अगर खाए होंगे कभी गोंद वाले लड्डू तो आपको पता ही होगा उसका क्रंचीनेस टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे बच्चे तो इसे बहुत पसंद करते हैं। देखिए हार्ड नहीं होता, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये। देखिए अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और गैस का जो फ्लेम है वो मैं ऑलमोस्ट बंद ही करने लगी हूँ क्योंकि बेसन मेरा भुन ही चुका था। बस ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। देखिए कितने जल्दी बनकर और कितनी इजी रेसिपी है, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। उसी कढ़ाई में उसी सभी चीज़ों से आप ड्राई फ्रूट्स इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, आप किशमिश ऐड कर सकते हैं। मैं वो सब चीज़ें वो ऐड कर रही हूँ इसमें। मैं इसका चेक करके देख रही हूँ, मैं गैस बंद कर चुकी हूँ कि कितना गर्म है ये। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं रखूँगी क्योंकि मैं जब इसमें खांड या भूरा मैं ऐड करूँगी तो बहुत तेज़ वो नहीं होनी चाहिए, फ्लेम वगैरह नहीं होनी चाहिए। वो मैं बंद करके ही मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। देखिए वो बेसन इतना गर्म है कि खांड या वो जो भी चीनी या पिसी हुई चीनी या जो भी भूरा आप डालेंगे वो इसमें मेल्ट हो जाएगा। ये मीठे के लिए है, क्वांटिटी आधा किलो में मैं कम से कम 200 ग्राम मैं इसके अंदर भूरा डाल रही हूँ। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की सभी की क्वांटिटी 50-100 ग्राम थी तो सबके हिसाब से यहाँ पे 200 ग्राम भूरा बहुत है। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा घी ऐड करती जाऊँगी। फ्रेंड्स इसमें ना घी को पका के नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि घी का, देसी घी का जो फ्लेवर है बच्चों को कच्चा कच्चा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है और वैसे भी अभी इतना गर्म तो है ही कि घी इसमें मेल्ट हो जाएगा। अब मैं ऐसे इसको इसी तरह से मिक्स करती जाऊँगी, घी डालती जाऊँगी और तब तक मैं इसमें घी डालती जाऊँगी जब तक कि घी इसका इसको गीला कर दे लगना शुरू हो जाए मुझे। देखिए घी मिक्स होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा और मैं मिक्स कर दूँगी। चाहे तो थोड़ा सा घी, अगर अगर गैस अगर ये ठंडा हो चुका हो तो आप हल्का सा घी मेल्ट करके अलग से भी डाल सकते हैं। मैं हल्का हल्का करके इसमें घी मिलाती जाऊँगी। बस को इतना टेक्सचर को मैंने घी से इसको करना है जिससे कि ये लड्डू जो है वो बनके तैयार हो जाए मेरे। और अब ये ठंडा हो चुका है और मैं बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा वाम है ये, मैं चेक कर चुकी हूँ। बस मैंने इसमें हल्का सा गर्म घी पिघला के और डाला है। देखिए अच्छे से ये हो गया है। अब इसको बस मिक्स करके अब हाथ में, अब आप चाहें क्योंकि हमने ही खाने हैं तो ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से इसको बनाइए। बस इस तरह से इसको उठा उठा के दबा प्रेस कर करके मैं इनको लड्डू बना लूँगी। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको इसलिए जल्दी ऐसे ही दिखा रही हूँ। देखिए मैंने इनको दबा दबा के मैंने इनके लड्डू बना लिए हैं। फ्रेंड्स इन लड्डुओं के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, आप बिना कमर कस के लिए बना के बिना भी बना सकते हैं। कमर में दर्द है तो भी उससे ठीक हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।